gonna show you guys my Indian jewelry collection. So this is my Kaleera, and my Kaleera has a really beautiful story in it. Now I'm gonna show you my earrings. ये जो है बहुत प्यारा सा एक पासा है मेरे पास, और मैंने ये अली और जैस्मिन की शादी के लिए बचा के रखा है. सो गाइज प्लीज गेट मैरिड सून सो दैट आई कैन वेयर दिस पासा. पैनकेक तो दूर दूर से कहीं से लग नहीं रहा है, ये भड़ता लग रहा है मुझे. और ये बहुत ही नॉर्मल सी इयररिंग्स हैं, बट व्हेन यू मेक अ बन एंड पुट अ गजरा, दीज इयररिंग्स दे लुक सो 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 गॉर्जियस. आई होप यू गाइस लाइक इट. हाय गाइस, दिस इज कृष्णा मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2 वेयर आई एम गोना शो यू गाइस माय इंडियन ज्वेलरी कलेक्शन. इंडियन ज्वेलरी में मेरे पास बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें हैं विच आई एम गोना शो यू नाउ. सो फर्स्ट आई एम गोना शो यू माय झुमकास. सो ये जो झुमकास हैं, ये मैंने लुधियाना के एक लोकल मार्केट से लिया था. ये मैंने अपनी शादी के टाइम पे लिया था, एंड आई मोस्टली वेयर दीज बिकॉज ये सूट के साथ भी जाता है, साड़ी के साथ भी जाता है, एंड दीज आर लाइक रियली रियली प्रिटी, एंड आई थिंक दिस वॉज फॉर 3500. उसके बाद ये वाले जो इयररिंग्स हैं, आई लव दीज, बट द थिंग इज़ ये थोड़े हैवी हैं, एंड मैंने ये आई थिंक अली की ईद पार्टी में मैंने ये वाली इयररिंग्स पहने थे, एंड आई गेव अप. मैंने थोड़ी देर में ही इसको उतार दिया था, बट दीज आर लाइक रियली रियली प्रिटी, एंड मैंने ये सेम शॉप से ही चीज़ें ली थी सब, एंड आई थिंक दे वर ऑल्सो फॉर लाइक 4000 मे बी समथिंग लाइक दैट. और ये वाली जो इयररिंग्स हैं, ये मेरी बहुत स्पेशल हैं मेरे लिए, क्योंकि ये इयररिंग्स मुझे पसंद आए थे, एंड थोड़े से एक्सपेंसिव थे तो मैंने लिए नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी सारी शॉपिंग कर ली थी. तो माय फ्रेंड मोक्षी, उसने मुझे सरप्राइज़ दिया था, उसने ये इयररिंग्स मेरे लिए ख़रीद लिए. थैंक यू मोक्षी जी. ये वाली इयररिंग्स तो आप लोगों को पता ही है, मैंने काफ़ी पहने हैं. सो आई बॉट दीज इयररिंग्स फ्रॉम मसूरी, एंड दीज आर फॉर आई थिंक 2000 और 2500 मे बी, और मे बी 1000. मेरा मसूरी वाला व्लॉग जो है, मेरी फ्रेंड की जो एंगेजमेंट है, वहाँ पे जाके देख लेना, मैंने ख़रीदा था, वहाँ पे बताया था मैंने कितने में लिए. ये जो इयररिंग्स हैं, ये सिल्वर इयररिंग्स हैं, आम्रपाली से हैं, आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग इट राइट. तो ये मुझे अनीता ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किए थे, एंड दीज आर लाइक सो प्रिटी. इसमें जो ये हल्का सा पर्पल टच है ग्रीन के साथ, इट्स लाइक रियली रियली एलिगेंट. सो ये वाले इयररिंग्स मैंने करवा चौथ के टाइम पे लिए थे, एंड दिस इज़ हाउ दे लुक. मैंने करवा चौथ पे ये वाले पहने थे इयररिंग्स, एंड दे वर लुकिंग रियली प्रिटी. एंड मैंने ये आई थिंक मनीराम जो शॉप है इन लुधियाना, मैंने वहाँ से लिए थे, एंड दे गेव मी रियली गुड डिस्काउंट. और ये बहुत ही नॉर्मल से इयररिंग्स हैं, बट व्हेन यू मेक अ बन एंड पुट अ गजरा, दीज इयररिंग्स दे लुक सो 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 गॉर्जियस, एंड दीज आर लाइक फॉर आई थिंक 350-400. एंड ये वाला जो नेक पीस है, ये मैंने, आपको याद होगा, मैंने अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट पे पहना था. दिस इज़ रियली प्रिटी, वेरी प्रिटी, बट मुझे थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा महंगा चेपा है उन्होंने. ये उन्होंने मुझे 7000 में भेजा था, सो आई डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन ऑफ ज्वेलरी दैट टाइम, और तो मैंने ये ख़रीद लिया. सो कॉमेंट में मुझे बताना कि मैंने सही डील क्रैक की है कि नहीं, कि मुझे सच में लूट गई. दिस इज़ लाइक रियली प्रिटी. आई बॉट दिस मेरी शादी के टाइम पे मैंने लिया था. आई थॉट किसी फंक्शन में पहनूंगी, बट नहीं पहना गया. दिस इज़ हाउ इट लुक्स, इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी. आई एम वेटिंग कि किसी कोई शादी वादी आए तो मैं ये पहनूँ. इट्स नॉट डायमंड और गोल्ड, बट इट वॉज रियली एक्सपेंसिव. आई थिंक दिस वॉज फॉर 8K और 9K मे बी. और ये इसके इयररिंग्स हैं छोटू से, दे वेरी प्रिटी. ये जो है बहुत प्यारा सा एक पासा है मेरे पास, और मैंने ये अली और जैस्मिन की शादी में, शादी के लिए बचा के रखा है. सो गाइस प्लीज़ गेट मैरिड सून सो दैट आई कैन वेयर दिस पासा, तुम्हारी निकाह में ये पासा पहन सकूं. बट दिस पासा इज़ लाइक वेरी प्रिटी, बहुत इजीली टिक जाता है, यू डोंट नीड पिंस एंड ऑल, लाइक यू कैन सी, एंड आई लव इट. ये वाली जो पाजेब हैं, ये मेरी मॉम ने मुझे करवा चौथ पे गिफ्ट किए थे, एंड ये वाली जो पाजेब है, ये मैंने अपनी शादी में पहने थे. द लाइक लिटिल बिग, बट आई लाइक द साउंड ऑफ छन 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 छन, आई रियली लाइक इट. दिस माथा टिक्का इज़ वेरी वेरी ओल्ड, ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी में बनवाया था. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स.
क्यूट सिंपल एंड उसकी मैंने संगीत पे पहना था ये। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ये मैंने स्क्रैच से बनवाया है। सो बेसिकली ये रिंग्स हैं, अलग अलग रिंग्स थे, उन्होंने तोड़ के ये बनाया है। सो मैंने अपनी मेहंदी पे पहना था ये। मैंने चोटी बनाई थी और चोटी में मैंने पीछे ऐसे अटकाया था एंड इट वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी। सो आई एम वेटिंग कि अब सलोनी व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, सोनाली की जल्दी से शादी हो और मैं ये सारी ज्वेलरीज फिर से पहनूं। और ये जो है ये एक ईयरिंग था, दूसरा वाला जो ईयरिंग है वो गुम हो गया था तो मैंने भी इसका मांग टीका बना लिया। सो दिस इज़ हाउ मेरी सिस्टर ने मेरी संगीत पे पहना था ये जुगाड़ू। एंड ये वाली ईयरिंग्स तो आप लोगों को पता ही होगा मैंने कहाँ से लिया है। आई गॉट दिस फ्रॉम मीशो एंड दीज आर फॉर लाइक 250 रुपीज़। और अगर आपने मेरे मीशो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो अभी जाओ और अभी देखो, आई बॉट लाइक रियली गुड स्टफ फ्रॉम देयर। दिस नथनी ऑल्सो, जो पता नहीं मेरे पास क्यों है बट आई रियली लाइक नथ। आओ, देयर आर फ्यू सहारास, जिंदगी के सहारे हैं ये जो हम ऐसे लगाते हैं सो दैट हमें ईयरिंग्स का बोझ नहीं लगे, जिंदगी का बोझ नहीं लगे। And this also I got from Meesho only. And again I'm saying, अगर आपने मेरा vlog नहीं देखा है तो अभी जाके मेरा vlog देखो। This I got from Westside. ये आप Indian के साथ भी पहन सकते हो, Western के साथ भी पहन सकते हो। Like you can wear, you can carry this with a white shirt or anything. White shirt के साथ ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। Like big earrings and this is for I think 250 rupees. ये जो है ये मैंने अगेन आई वोर दिस ऑन माई संगीत। ये मैंने एक्सेसराइज से लिया था, 50% ऑफ में लिया था। सो आई गॉट दिस फॉर 1500 ओनली। सो नाउ कम टू दिस बॉक्स। ये जो है मेरे सारे वो हैं माथा टिक्का। तो ये वाला जो है ये इट इज़ लाइक दिस और इसके साथ ये वाले ईयरिंग्स हैं, दिस इज़ हाउ दे लुक। एंड ये एक पंजाबी, टिपिकल पंजाबी I don't know what does it call, पत्ती या कुछ तो एक बोलते हैं। जितने ही पंजाबी लोग हैं प्लीज़ मुझे बताओ कि इनको क्या बोलते हैं। I'm not getting that word. This is like very हल्का and ये बहुत ही traditional पंजाबी ज्वेलरी है। And I got this for 400 from a very local market. घुमार मंडी के बहुत ही मतलब एक ऐसी ओपन स्टॉल से लिया था मैंने। दिस वन ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम मनी राम। मैंने ये करवा चौथ के टाइम पे लिया था। दिस मांग टिक्का इज लाइक रियली रियली बिग। ओके इट्स फॉलिंग एंड बट आई एम गोना शो यू हाउ डज इट लुक। सो दिस लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। आई होप यू गाइस लाइक इट। एंड दिस वॉज ऑल्सो वेरी चीप, आई गॉट दिस फॉर 1000 रुपीज़ ओनली। ये वाले जो दो हैं ये मैंने दिवाली के टाइम पे एक लोकल शॉप से, नॉट इवन शॉप, उन्होंने बस एक मतलब सड़क के उधर एक शॉप सी बनाई हुई थी तो वहाँ पे उन्होंने ये रखे हुए थे एंड आई गॉट दीज फ्रॉम देयर एंड दिस इज़ फॉर 500 रुपीज़ ओनली। और ये वाला जो है बहुत ही प्यारा है, इसका ये मांग टिक्का है, बहुत ही हल्का है। सो यू कैन कैरी इट लाइक यू नो आई कैन कैरी इट वेरी ईजिली। एंड इसके जो ईयरिंग है ये पूरा आपका ईयर कवर कर लेता है। सो दिस इज़ समथिंग यू नो ऐसा कुछ लगता है, अभी तो बहुत ही पागल लग रही हूँ मैं बट कुछ ऐसा लगता है। एंड नाउ आई एम गोना शो यू समथिंग रियली रियली स्पेशल जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है। आई एम गोना शो यू गाइज माई कलीरा जो मैंने शादी में पहना था। ये वाला कलीरा जो है ये मेरे फ्रेंड्स ने मुझे दिया था जो कि मुझे चांस नहीं मिला, उन्होंने मुझे बहुत लेट दिया था तो आई डिडंट गेट एनी चांस, बट मैंने अपने पास रखा है क्योंकि ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स ने दिया है तो इट इज़ स्पेशल फॉर मी। सो दिस इज़ माई कलीरा एंड माई कलीरा हैज़ अ रियली ब्यूटिफुल स्टोरी इन इट। ये मुझे एक ब्रांड ने दिया था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट ब्रांड, बट अगर मुझे कहीं से याद आया या फिर मैं अपनी शादी के फ़ोटोज़ में जाके देखूँगी कि किन्होंने दिया था। सो एनीवे, सो इफ़ यू कैन सी ये जो है एक ब्राइड और ग्रूम है एंड यहाँ पे अशफ अरोर हैं जो कि पारसी के गॉड होते हैं और यहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है, यहाँ पे ओम का साइन बना हुआ है जो कि मेरे बहुत ही क्लोज है। अगेन देयर गणपति जी, उसके बाद नीचे जो हैं ये मेरे मॉम एंड डैड हैं
जो कि मेरी लाइफलाइन है। यहाँ पे जो है कॉर्डेलिया क्रूज बना हुआ है, जहाँ पे मैं और चिकी फर्स्ट टाइम मिले थे। यहाँ पे एंकर बना हुआ है, एंकर्ड इन लव। और ये जो है मेरी शादी की डेट है 13th March 2023। एंड ये एक इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, जिसके कॉर्नर्स में सी है और के है, चिकी एंड कृष्णा। एंड दिस इज़ आर हैशटैग कृष्राग। सो दिस इज़ लाइक रियली नाइस। हम लोगों ने बहुत टाइम लगा के सोचा था कि कलीरे में क्या क्या हम कर सकते हैं। दे ऑल्सो गॉट अप विद दीज आइडियाज एंड आई जस्ट लव माई कलीरा। थैंक यू गाइज, जिन्होंने भी मुझे दिया था, ब्रांड ने दिया था मुझे, आई विल डेफिनेटली टैग देम, यहाँ पे मैं डालूंगी। सो अगर आपको ऐसे कलीरे चाहिए अपनी शादी के लिए, तो यू कैन जस्ट कॉल देम। ये तो पता ही होगा, मैंने मसूदी से लिया था अपनी फ्रेंड के एंगेजमेंट के टाइम पे। सो आई थिंक दिस वाज फॉर 3500। और ये वाले जो हैं इसके ईयरिंग्स हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये थी मेरी नॉर्मल ज्वेलरी, अब मैं दिखाऊंगी आपको मेरी बोहो ज्वेलरी। So now I'm gonna show you guys my oxidized jewelry. So सबसे पहले हम दिखाएंगे ये जो है, this is so beautiful, this is so different. I got this from Calcutta. And honestly, Calcutta की jewelries बहुत ही amazing होती हैं, they are so cheap. I got this for 100 rupees only. Like you wear any shirt or anything and just इसको पहनो, you don't need anything. Stop making those faces, chicken. This is how it looks. I think, you know, I'll style these very soon. I'll show you ki isko kaise kaise pehen sakte hain. Uske baad main leke aayi thi ye wala neck piece. Buddha bane hue hain isme. And this is how it looks. So, this is the Buddha. And he literally is in the center of my heart chakra. हार्ट चक्रा इज माय सोलर प्लेक्स, सॉरी सोलर प्लेक्स। ये वाला जो है ये मुझे किसी ब्रांड ने भेजा था, एंड इसके साथ के इयररिंग्स भी कहीं यहीं पड़े होंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चोकर, वेरी प्रिटी। यू नो जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है ना, वो आप इंडियन के साथ भी पहन सकते हो और मतलब वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हो। लेकिन इवन इफ यू वेयरिंग योर डेनिम और समथिंग, तो उसके साथ भी आप कैरी कर सकते हो। ये भी मैंने आई थिंक कोलाबा से लिया था long back. It has a beautiful butterfly and this is how it looks. You wear it like this. इसके बाद ये मैंने आई थिंक रिसेंटली लिया था कहाँ से लिया था हाँ ये मैंने वेस्ट साइड से लिया था। सो दिस इज ऑल्सो लाइक वेरी प्रिटी, इट्स वेरी सिंपल बट प्रिटी। दिस ऑल्सो आई थिंक आई गॉट फ्रॉम वेस्ट साइड लॉन्ग बैक, साल हो गए इसको बट अभी तक दिस लुक्स सो प्रिटी। ये मैंने आई थिंक संदीप सर के किसी फंक्शन में पहना था एंड इट वॉज लुकिंग वेरी डिफरेंट। दीज आर माई फेवरेट ईयरिंग्स दीज डेज। कुछ नहीं सोचता तो मैं यही पहन लेती हूँ। इट हैज़ अ लाइक ब्यूटिफुल स्मॉल काइट हेयर, इट्स अ ब्यूटिफुल काइट। सो ये जो काइट है आप, मैं दूसरा वाला दिखाती हूँ। सो आप इसको बस यहाँ पर लगाएँ एंड जस्ट वेयर द ईयरिंग। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। एंड दिस ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम मसूरी। मसूरी से मैंने काफ़ी अच्छी ज्वेलरी की शॉपिंग की थी। एंड ये मसूरी का ब्लॉग जो है ये वो वाला है जब मैं चिराग मसूरी गए थे। और अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो अभी जाके देखा। ये वाली जो ईयरिंग्स हैं, अगेन आई गॉट देम फ्रॉम मसूरी ओनली। एंड दीज आर लाइक वेरी लाइट वेट, बहुत ही हल्के हैं, तो कितनी देर भी पहनूँ चलेगा। एंड एक और है, मुझे एक्चुअली जो सहारे टाइप ईयरिंग्स होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जस्ट मेक अ नाइस बन मेसी सा और जस्ट ऐसे पहन लो। ये मैंने कहीं आई थिंक लोखंड वाला से ही लिए थे। नाउ दिस वन आई बॉट इट फ्रॉम कोलाबा, बहुत टाइम पहले मैंने लिया था। एंड दिस लुक्स सो ब्यूटिफुल, इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, लाइक जस्ट वेयर अ नाइस वाइट
टॉप और वाइट कुर्ता और समथिंग एंड जस्ट वेयर दिस, इट लुक वेरी नाइस. दिस ऑल्सो आई थिंक आई गॉट इट फ्रॉम, आई थिंक ये मैंने कैलकटा से लिया था बहुत टाइम पहले, एंड दिस ऑल्सो लुक्स वेरी प्रिटी. पूरा ये मतलब गला भर जाता है. और ये मैंने लिया था दिल्ली से. दिस इज़ लाइक रियली नाइस. बहुत हैवी है बट यू जस्ट हैव टू वेयर दिस एंड यू आर सॉर्टेड. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. ये जो हैं बहुत ही प्यारे, बहुत हल्के हैं. एंड मैंने इसमें दो कलर्स लिए थे, एक वाइट लिया था और एक येलो लिया था. सो दिस इज़ फॉर 250, दिस इज़ ऑल्सो फॉर 250, बट दे लुक सो प्रिटी लाइक. And I got these from Manish Market. Now I'm gonna show you my earrings. So ये वाले जो earring हैं ये बहुत प्यारे हैं. ये कुछ ऐसे दिखते हैं. They're really big but बहुत हल्के हैं, बहुत प्यारे हैं. ये वाले जो earrings हैं इसमें एक हिरन बना हुआ है. And I got these from मसूरी again. और मसूरी से मैंने एक और लिए थे, हाँ ये वाले लिए थे जिसमें गणपति बने हैं या फिर वो एलिफेंट है, मुझे पता नहीं है. स्ट्रीट शॉपिंग करने गए थे तो वहाँ से हमने लिया था. सो आई हैव दिस मांग टिका जो कि मैंने बहुत टाइम पहले दिल्ली से ख़रीदा था, चनपत से. वेरी बोहो टाइप्स एंड आई लव इट्स. ये वाला जो मांग टिका है बहुत पुराना है. ये अंजलि ने मुझे दिया था एंड आई स्टिल हैव दिस एंड आई जस्ट लव इट, लव इट, लव इट, लव इट. थैंक यू अंजलि. एंड ये जो है ये मेरी फ्रेंड लेके आई थी मेरे लिए अभी. एंड यू जस्ट हैव टू मेक अ बन एंड देन जस्ट डाल दो. और इफ़ यू हैव टू किल समवन यू कैन जस्ट किल दैट पर्सन विद दिस. आई माइट किल माई हस्बैंड, ईयरफोन्स मैंने सुना नहीं. नो स्ट्रिंग ऑल्सो फ्रॉम मसूरी विच आई रियली लाइक. एक ये जो रिंग है दिस इज ऑल्सो लाइक वेरी वेरी प्रिटी. इसमें पिकॉक बना हुआ है. एक जो रिंग है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है. आई गॉट दिस फ्रॉम जनपद. सो आई टेल यू हाउ टू वेयर दिस. थोड़ा सा वो हो गया है, आई हैव टू क्लीन इट. सो इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस. ये कॉइन्स हैं और इसमें घुंघरू बने हुए हैं. थोड़ा सा गंदा हो गया है बट आई थिंक इसको कल मैं दीदी को बोलूँगी साफ़ करने के लिए. सो आई जस्ट लव इट. और ये बहुत ज़्यादा पुराना है. नाउ आई एम गोना शो यू दीज इयररिंग्स. एक्चुअली मैं जयपुर में शूट कर रही थी एंड उस टाइम पे शूट पे मैंने ये वाली इयररिंग्स पहने थे. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. आई जस्ट आस्क देम कि कैन आई टेक दिस एंड दे वर लाइक प्लीज टेक देम. सो ये वाली इयररिंग्स हैं, आई जस्ट लव देम. ये मैंने शरीन की किसी फंक्शन में पहना था. दे वर लुकिंग वेरी प्रिटी. एक और चीज़ जो है मेरी फेवरेट है ये. इट्स लाइक एंकलेट. ये एक पायल है लेकिन इसके साथ ये एक टोरिंग आती है. सो ये अटैच्ड है. सो इट इज़ अटैच्ड, ऊपर से टोरिंग आती है. सो इट इज़ लाइक रियली प्रिटी. ये जब मैं एक शो कर रही थी कुछ तो है नागिन एक नए रंग में, उसमें मैंने ये पहने थे एंड मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए. आई रिक्वेस्टेड देम दैट आई रियली वांटेड टू कीप दिस एंड दे गेव इट टू मी. मुझे जो चीज़ पसंद आती है मैं मांग लेती हूँ. सो ये वाली जो इयररिंग्स हैं ये मैंने वेस्ट साइड से लिए हैं एंड दे वर फॉर 250 और मे बी 300 एंड दीज आर लाइक रियली प्रिटी. दिस इज़ हाउ दे लुक. आई लाइक दैट छन 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 छन. एंड ये मुझे किसी ब्रांड ने भेजे थे, ये भी मुझे किसी ब्रांड ने भेजे थे, ये भी मुझे किसी ब्रांड ने भेजे थे. एंड ये तो मैंने दिखाया आपको, मैंने ये मसूरी से लिया था, ये मैंने लोखन वाले से लिया था. एंड ये जो है वो ये जो नेक पीस जो मैंने आपको दिखाया था चोकर, ये इसका है. एंड ये जो है ये वाली इयररिंग्स झुमके बहुत क्यूट है. अगर आप इसको पास से देखोगे तो इसने जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिखा है. जय माता दी, लेट्स रॉक. और ये वाली इयररिंग्स है ये भी बहुत प्यारे हैं. अगर इसको भी अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर लक्ष्मी और गणेश जी बने हुए हैं एंड दे लाइक वेरी क्यूट. ये वाली इयररिंग्स मैंने बहुत पहने हैं, शूट में पहने हैं, ऑडिशंस में पहने हैं. सो ऑल दीज इयररिंग्स, ये छोटी छोटी झुमकीज जो है मैं मोस्टली मैं ऑडिशन में पहनती हूँ एंड ऑडिशन में थोड़ा सिंपल ही चाहिए होता है. सो ये भी है जो मैंने वेबसाइट से ख़रीदे हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर आई थिंक 250-300 एंड दिस इज़ हाउ दे लुक. दे लुक वेरी 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 प्रिटी. ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किए थे एंड दिस इज़ ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम वेबसाइट. मेरे पास एक सिल्वर कलर भी था बट वो मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया. मेरा पार्सल आ गया है. ठीक है, पार्सल आ गया. सॉरी आई कॉन्ट वेयर दिस बट आई विल शो यू हाउ टू वेयर इट. इसका टैग निकालना है. हंस गया. दिस इज हाउ इट लुक्स.
समथिंग लाइक दिस, ये पूरा जा नहीं रहा है, हैव टू कट द टैग, बट आपको आइडिया तो हो ही गया होगा, मेरा हाथ फंस गया है, तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसमें सिल्वर भी था, वो मैंने किसी को दे दिया है, एंड ये मैंने वैसा इसे लिया था, दिस इज़ वेरी 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 रीजनेबल, बहुत चीप था। सो दैट्स इट गाइज, ये थी मेरी ज्वेलरी कलेक्शन। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको मेरी वेस्टर्न ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाया था, और सेकंड पार्ट में मैंने अपनी इंडियन ज्वेलरी दिखाई थी, और ये है मेरा बोहो ज्वेलरी कलेक्शन। एंड इनमें से कौन सी ज्वेलरी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड यस, इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं और ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि रात के 3 बज गए हैं और शिव को घर जाके सोना भी है, और मेरा प्रोटीन वाला जो पैनकेक आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, तो मेरा हेल्दी प्रोटीन पैनकेक जो आ रहा है वो मैं खाऊंगी और मैं सो जाऊंगी। सो शब्बा खैर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, शुक्राना। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो गाइस, माय पैनकेक इज हियर, एंड पैनकेक तो दूर दूर से कहीं से लग नहीं रहा है, ये भड़ता लग रहा है मुझे, कैसा है ये? आई नो इट्स हेल्दी बट इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, खा के देखते हैं कैसा है। मिडनाइट क्रेविंग्स बट हेल्दी क्रेविंग। शुभ के मुंह पानी आ गया। ट्राई ट्राई।